वेलकम बैक। और आज जो इंडोक्राइन ग्लैंड का स्टडी हम करेंगे वो है एड्रिनल ग्लैंड। तो जैसा कि नाम ही बता रहा है, एड्रिनल ग्लैंड, इसका जो नाम लिया गया है इसके पोजीशन के बेसिस पे लिया गया है, क्योंकि ये किडनी के एबव रहता है। एड्रिनल मतलब किडनी, और किडनी के ऊपर है तो इसीलिए इसे एड्रिनल ग्लैंड बोला जाता है, एडजेसेंट टू किडनी, क्योंकि ये एंडोक्राइन ग्लैंड है तो ये हार्मोन सिक्रीट करेगा। तो एड्रिनल ग्लैंड से जो हार्मोन सिक्रीट होते हैं, एक होते हैं कार्टिकॉइड और एक होते हैं कैटिकॉल एमाइंस। अब एड्रिनल ग्लैंड को हमें स्टडी करना है तो इसे दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। आउटर पार्ट को हम लोग कॉर्टेक्स बोलते हैं, कॉर्टेक्स हमेशा आउटर पार्ट होता है, और जो बीच वाला पार्ट होता है, जो सेंट्रल पार्ट होता है, उसे मेडुला बोलते हैं। सेंट्रल पार्ट को हम मेडुला बोलते हैं और आउटर पार्ट को हम कॉर्टेक्स बोलते हैं। अब सबसे पहले हम कॉर्टेक्स पार्ट को देखते हैं। तो कॉर्टेक्स पार्ट में थ्री लेयर होते हैं। कॉर्टेक्स पार्ट जो है डिफ्रेंशिएटेड है तीन लेयर में, जिसमें है एक जोना ग्लोमेरुलसा, और एक है फेसिकुलेटा, और एक है रेटिकुलारिस। तो ग्लोमेरुलसा आउटर है, फेसिकुलेटा मिडिल है, रेटिकुलारिस इनर है। तो उसको याद करने का सिंपल तरीका है GFR के सीक्वेंस में लिखें। तो जब ग्लोमेरुलसा लिखेंगे, क्योंकि इसमें ओ आ रहा है तो ये आउटर है, और इसमें से जो हार्मोन इस लेयर से निकलेगा उसे मिनरलोकॉर्टिकॉइड बोलेंगे। इसमें एम आ रहा है तो ये बताएगा कि ये मिनरलोकॉर्टिकॉइड सिक्रीट कर रहा है। लेटा को जब आप ध्यान से देखेंगे तो फैसी से हो गया फसा टाइप का, जो फसा कौन होगा, जो बीच में होगा। तो यहाँ से हार्मोन जो निकलेगा वो है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड की अगर बात करें तो इसमें जो मेन हार्मोन है, वो जो मेन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है, उसको हम कॉर्टिसोल बोलते हैं, और ये कॉर्टिसोल ग्लूकोनियोजिनेसिस कराता है। इसके बाद रेटिकुलारिस, ये इनर है, ये अंदर की बात है। तो अंदर किससे रिलेटेड है, सेक्स स्ट्रॉइड, और यहाँ पे जो है हार्मोन होगा एंड्रोस्ट्रॉन, जो कि क्या रेगुलेट करेगा, सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर को रेगुलेट करेगा। अब हम बात करते हैं मेडुला रीजन, जो कि सेंट्रल पार्ट है। तो यहाँ से जो हार्मोन आएगा वो कैटिकॉल एमाइंस आएगा। तो कैटिकॉल एमाइंस जो हार्मोन है, एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन को साथ मिलाकर हम कैटिकोलेमाइन बोलते हैं। तो मेरा कहना यह है कि जो मेडुला है ये जो है सिक्रीट करता है दो टाइप्स ऑफ हार्मोन, एड्रेनलिन एंड नॉन एड्रेनलिन, जिसको हम लोग कॉमनली क्या कहते हैं, कैटिकॉल एमाइंस, या एपिनफ्रिन एंड नॉन एपिनफ्रिन भी इसको कहते हैं। इसको स्ट्रेस हार्मोन भी बोलते हैं, या हार्मोन ऑफ फाइट और फ्लाइट। स्ट्रेस हार्मोन किस लिए बोलते हैं, क्योंकि ये स्ट्रेस कंडीशन में रिलीज होता है। अब स्ट्रेस कंडीशन क्या क्या है, जैसे अगर एक एग्जांपल ले तो इसके जो कॉज है ये हमको याद हो जाएंगे। जैसे कोई थीफ है तो वो चोरी करने गया है, तो उसके अंदर डर रहता है कि वो चोरी कर रहा है, कहीं पकड़ा ना जाए, तो उसके लिए ये स्ट्रेस कंडीशन हो गया है। और इस स्ट्रेस कंडीशन में उसको सेटिंग होगा, उसके पीपुल डायलोट हो जाएंगे, जिससे कि इसके वाइड एंगल दिखे। पाइलोरेक्शन मतलब हेयर जो है इसके रेज हो जाएंगे, खड़े हो जाएंगे, और उसका हार्ट बीट भी बढ़ जाएगा। जब हार्ट बीट बढ़ेगा तो जो हार्ट का कंट्रैक्शन होगा वो भी इंक्रीज हो जाएगा। तो हम कहेंगे स्टेट ऑफ हार्ट कंट्रैक्शन इंक्रीजेज, और जब हार्ट कंट्रैक्शन इंक्रीज होगा तो उसका रेट ऑफ रेस्पिरेशन भी बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से हमें याद हो जाएगा। तो एक अच्छा जो क्वेश्चन बनता है यहाँ पर मेडुला से, मेडुला जो होता है वो एक्टोडर्मल ओरिजिन का होता है। एक्टोडर्मल ओरिजिन हमारा नर्वस सिस्टम भी होता है। तो हम ये कहेंगे कि जो मेडुला है वो कंट्रोल्ड होगा किससे, नर्वस सिस्टम से, या फिर हम कहेंगे कि ये जो है इसी से ड्राइव्ड हुआ है। तो ये किससे ड्राइव्ड हुआ है, SNS। ये SNS क्या है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। अब आइए बात करते हैं कैटिकोलेमाइंस की। तो कैटिकोलेमाइंस का सिक्रीशन कब होगा, क्योंकि ये स्ट्रेस हार्मोन इसे बोलते हैं, तो स्ट्रेस कंडीशन में रिलीज होगा। जब भी किसी भी टाइप का स्ट्रेस होगा तो नर्वस सिस्टम के पास सिग्नल जाएगा, और ये सिग्नल नर्वस सिस्टम से मेडुला के पास आएगा, और मेडुला से रिलीज होगा कैटिकोलेमाइंस, जिसको हम लोग इपिनफ्रिन एंड नॉन इपिनफ्रिन भी बोलते हैं। तो जो इपिनफ्रिन एंड नॉन इपिनफ्रिन है,
इसमें जो इसका अमाउंट होता है एपिनफ्रिन का वो ज़्यादा होता है। इसको हम इमरजेंसी हार्मोन भी बोलते हैं क्योंकि इमरजेंसी सिचुएशन में ये रिलीज होता है। लाइफ सेविंग हार्मोन भी बोलते हैं क्योंकि इससे हमारा लाइफ भी सेव हो सकता है। हार्मोन ऑफ फाइट और फ्लाइट भी बोलते हैं। तो अब इसके फंक्शंस को थोड़ा समझते हैं। कैटेकोलेमाइंस के नाम को थोड़ा देखिए ध्यान से। तो यहाँ पे कैटी से मैंने एक टर्म निकाल लिया है, ट्रिक के लिए खाली निकाला जिससे आपको याद रहे। कैटी से हो गया कैटाबोलिक, मतलब ये जो है किस प्रोफेज में इन्वॉल्व रहेगा, कैटाबोलिक प्रोफेज में इन्वॉल्व रहेगा। जैसे ये ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में तोड़ेगा, अगर ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में तोड़ेगा तो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल क्या होगा, इंक्रीज होगा। प्रोटीन को तोड़ेगा और लिपिड को तोड़ेगा, प्रोटीन को तोड़ेगा तो इसे प्रोटीओलाइसिस बोलेंगे, लिपिड को तोड़ेगा इसे लिपोलाइसिस बोलेंगे। अब इसमें जो एमाइन टर्म है कैटेकोलेमाइंस में, इससे हम ये ट्रिक बताएंगे कि यहाँ पर ये जो है एमिनो एसिड डेरिवेटिव है। अब किस टाइप के एमिनो एसिड का डेरिवेटिव है, ये टायरोसिन का डेरिवेटिव है। अब हम बात करेंगे जो हार्मोन रिलीज होते हैं एड्रेनल कॉर्टेक्स से, उन्हें कॉर्टिकॉइड्स बोलते हैं। तो इसमें तीन लेयर है, आउटर इनर एंड मिडिल। तो आउटर लेयर से जो हार्मोन रिलीज होता है उसे हम मिनरलोकॉर्टिकॉइड बोलते हैं, और जो मिडिल से होता है उसे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड बोलते हैं, और जो इनर से होता है उसे सेक्स स्ट्रॉइड बोलते हैं। तो सबको बारी बारी से हम स्टडी करेंगे। पहले पर उसके पहले हम ये समझ लें इनका सिक्रेशन कैसे होता है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड से एक हार्मोन रिलीज होता है ACTH, जिसको बोलते हैं एड्रेनोकॉर्टिट्रॉफिक हार्मोन। ये हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होगा और एड्रेनल ग्लैंड के पास पहुँचेगा, और इसके बाद ये एड्रेनल कॉर्टेक्स के पास जाएगा, वहाँ से ये हार्मोन को रिलीज करवाएगा। तो ये सारे हार्मोन को मिलाकर हम लोग कॉर्टिकॉइड्स बोलते हैं। तो कॉर्टिकॉइड्स एक स्टेरॉइड हार्मोन है जो कि कोलेस्ट्रॉल से ड्राइव होता है। तो जब भी क्वेश्चन आएगा कि कौन से हार्मोन स्टेरॉइड डेरिवेटिव हैं, तो यहाँ पे एड्रेनल कॉर्टेक्स अगर ऑप्शन में रहेगा जाएगा, बाकी अदर सेक्स हार्मोन तो हैं ही। तो अब हम देखते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स या कॉर्टिसोल्स हार्मोन के बारे में। तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड या फिर हम कॉर्टिसोल भी बोलते हैं, तो ये ग्लूकोनियोजेनेसिस कराता है। ग्लूकोनियोजेनेसिस कराता है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये ग्लूकोज का फॉर्मेशन कराता है। जेनेसिस मतलब जनरेशन, ग्लूको मतलब ग्लूकोज, नियो मतलब नियो का मतलब ये है कि ग्लूकोज का फॉर्मेशन ये नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से कराता है, इसलिए टर्म नियो लगा है, कुछ नया कर रहा है। तो नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से ये क्या कराएगा, ग्लूकोज का फॉर्मेशन कराएगा। इसके बाद ये क्या करेगा, इनहिबिट करेगा सेलुलर अपटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ एमिनो एसिड। तो ये ऐसा क्यों कर रहा है, ये जो है सेल को एमिनो एसिड का कंजप्शन नहीं करने देगा और एमिनो एसिड का यूटिलाइजेशन नहीं करने देगा। क्यों, क्योंकि एमिनो एसिड जो है सब्सट्रेट का काम करता है ग्लूकोज के फॉर्मेशन में। जैसे यहाँ पे हो गया एमिनो एसिड, अब एमिनो एसिड का जो है कन्वर्जन किस में हो जाएगा, ग्लूकोज का। प्रोटीन रहेगा उसको कन्वर्ट किस में कर देगा, ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा। और जो सेल हैं, क्योंकि अगर ये सेल एमिनो एसिड को कंज्यूम कर लेंगे तो ग्लूकोज नहीं बन पाएगा, तो इसीलिए इनहिबिट करता है सेल्स को कि ये एमिनो एसिड का कंजप्शन ना करे। और इसका ये भी दूसरा सेंस है कि जो सेल है वो ग्लूकोज का भी कंजप्शन ना करे, तो इनहिबिट सेलुलर अपटेक ऑफ ग्लूकोज, बोलिए एमिनो एसिड बोलिए। तो पहला फंक्शन था ग्लूकोनियोजेनेसिस। दूसरा फंक्शन याद करने के लिए एक आपको ट्रिक याद करना पड़ेगा, बहुत सिंपल सा ट्रिक है। ये ट्रिक है केवीएस सर एयर में आरबीसी का प्रोडक्शन कर रहे हैं, केवीएस सर एयर में आरबीसी का प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो केवीएस केंद्रीय विद्यालय स्कूल जानते ही होंगे, हाँ। तो ये केवीएस में जो के है ये बता रहा है किडनी, और वीएस हो गया वैस्कुलर सिस्टम। तो जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है वो मेंटेन करता है किडनी के फंक्शंस को और वैस्कुलर सिस्टम को। बॉडी में वैस्कुलर सिस्टम का मेन रोल कौन परफॉर्म करता है, वो है हार्ट। तो हार्ट के लिए कौन सा टर्म इस्तेमाल करते हैं, कार्डियो या कार्डियक। तो उसको हम बोलेंगे कार्डियो वैस्कुलर सिस्टम को मेंटेन करेगा और किडनी के फंक्शंस को मेंटेन करेगा। सर से हो गया एस, से हो गया सप्रेस, आईआर से हो गया इम्यून,
रिस्पॉन्स, ये क्या करेगा, इम्यून रिस्पॉन्स को सप्रेस करेगा। जब इम्यून रिस्पॉन्स सप्रेस होगा तो इसका इस्तेमाल हम कहाँ पे करेंगे, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में करेंगे और ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, क्योंकि ये इम्यून का जो रिस्पॉन्स है उसे कम कर देगा। ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में क्या होता है, नए ऑर्गन को बॉडी में लगाया जाता है जिसे ज़रूरत रहता है, तो उसका बॉडी उस ऑर्गन को रिजेक्ट करना चाहता है क्योंकि वो उसे फॉरेन समझता है, इसीलिए जो है इसको दिया जाता है। और ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में काफ़ी क्लोज रिलेटिव का ही ऑर्गन जो है लगाया जाता है जिससे कि बॉडी से रिजेक्ट ना करे। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में क्या होता है कि जब बॉडी खुद के ही इम्यून सिस्टम को डिस्ट्रॉय करने लगता है, जैसे रेमेटाइड आर्थराइटिस में यही होता है, तो उसको भी सप्रेस करने के लिए जिससे बॉडी जो है खुद के ऑर्गन को ना मारे। इसके बाद एयर, एयर से हो गया ए से एंटी इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन, ये जो है एंटी इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन कॉज करता है, जैसे कि अस्थमा हो गया, ये एलर्जिक रिएक्शन है तो उसमें जो है इसका यूज कर सकते हैं। तो मतलब ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का कहाँ पर सप्रेस करने में और एंटी इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन में इस्तेमाल होता है, यहाँ से अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। और ये आरबीसी का प्रोडक्शन भी करता है। तो इसके दो फंक्शंस मैंने दो पॉइंट में बताए हैं, ये ग्लूकोनियोजेनेसिस कराता है, दूसरा जो आपका ट्रिक है जिसमें ट्रिक मैंने बनाया है कि वी एस सर एयर में आरबीसी का प्रोडक्शन कर रहे हैं। अब हम बात करेंगे कि अगर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का हाइपोसिक्रेशन हो गया, हाइपो का मतलब क्या होता है, कम सिक्रेशन होना, अगर कम हो रहा है तो ऐड कर दीजिए तो इससे हो जाएगा एडिशन डिजीज। अगर हाइपर हो गया, ज़्यादा हो गया तो कम कर दीजिए, कम कर दीजिए क्विशन डिजीज। आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं कि ज़्यादा हो गया है तो आप क्या करिए, क्रश कर दीजिए, क्रश कर देंगे तो कोई सिक्रेशन नहीं होगा तो क्विशन डिजीज। इसको इसी तरीके से याद रखिए क्योंकि इसका कोई भी मतलब नहीं है, क्योंकि इतना वास्ट सिलेबस है, फालतू टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो एक बात आप यहाँ पर यह ध्यान रख सकते हैं कि जो हाइपोसिक्रेशन होता है तो इसमें शुगर का मेटाबॉलिज्म या कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म क्या होगा, नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा, क्योंकि अगर इसका हाइपोसिक्रेशन होगा तो हमारा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड नहीं होगा या फिर कॉर्टिसोल नहीं होगा। जब कॉर्टिसोल नहीं होगा तो कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म नहीं होगा, कार्बो बॉडी में वीकनेस आएगी और फैटिग मतलब बॉडी में थकावट सा महसूस होगा, तो ये एडिशन डिजीज में होता है। अब हम बात करते हैं मिनरलोकॉर्टिकॉइड का मेन हार्मोन कौन था, एल्डोस्टेरोन था, और ये एल्डोस्टेरोन साल्ट रिटेंशन में काम करेगा, ये कैसे करेगा अभी बताएंगे। इसके बाद ग्लूकोकॉर्टिकॉइड ये जो है शुगर मेटाबॉलिज्म में कर रहा है क्योंकि ये नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से शुगर को बना रहा है। इसके बाद एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड जो है ये यहाँ से सेक्स स्टेरॉइड आएगा। इसके बाद ओवरऑल हम देखें तो ये सोर्स ऑफ एनर्जी में भी इन्वॉल्व है, तो इसीलिए जो है हम लोग एड्रिनल ग्लैंड को 4S ग्लैंड भी बोलते हैं, 4S ग्लैंड, 4S दिख गया होगा तो इसको हम लोग 4S ग्लैंड भी बोलते हैं। करेंगे इलेक्ट्रॉन की जो कि जोना ग्लोमेरुलिफेरा रीजन से रिलीज हो रहा था जो कि आउटर रीजन था एड्रिनल कॉर्टेक्स का। तो एल्डोस्टेरोन हार्मोन कब रिलीज होगा, इसके लिए दो फैक्टर इन्वॉल्व हैं, एक तो हार्मोन फैक्टर और दूसरा जब सोडियम का लेवल कम होगा ब्लड में और पोटेशियम का लेवल हाई होगा। तो ACTH एडिनोकॉर्टोट्रॉफिक हार्मोन एंड एंजियोटेंसिन, जब आप रास मैकेनिज्म पढ़ेंगे एक्सक्रीशन सिस्टम में तो यहाँ पे इनके फंक्शंस काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे हम। अब एल्डोस्टेरोन जो है ये मेनली एक्ट कहाँ पे करता है, रिनल टिब्यूल पे, रिनल टिब्यूल जो किडनी में नेफ्रॉन्स हैं इनका ये टिब्यूल है, इसे हम रिनल टिब्यूल बोल रहे हैं। और इसमें जो नेफ्रिक फिल्ट्रेट है ये क्या करेगा, सोडियम का एब्जॉर्प्शन कराएगा, और सोडियम के मूवमेंट को कौन फॉलो करता है, वाटर फॉलो करेगा, वाटर फॉलो करेगा, और ये जो है एक्सक्रीशन किसका कराएगा, पोटेशियम का और फॉस्फेट आयन का। तो अब हम देखते हैं कि ये सोडियम का एब्जॉर्प्शन जो करा रहा है वो कैसे हो रहा है। तो अगर एल्डोस्टेरोन को इनका सिक्रीशन होगा, अगर हाइपर सिक्रीशन होगा या नॉर्मल सिक्रीशन होगा तो ये क्या कराएगा, सोडियम को एब्जॉर्ब कराएगा। अब सोडियम एब्जॉर्ब
होगा तो क्या होगा, जो फ्लूइड है, जो बॉडी फ्लूइड है उसमें क्या होगा, उसका जो नेचर है वो हाइपरटोनिक हो जाएगा। जब ये हाइपरटोनिक हो जाएगा तो वाटर का मूवमेंट होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि ऑस्मोसिस में क्या होता है, हाइपोटोनिक से हाइपरटोनिक में कौन जाता है, वाटर जाता है, तो वाटर इस तरीके से एब्जॉर्ब हो जाएगा। अब वाटर जब एब्जॉर्ब हो जाएगा तो बॉडी वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज होगा, और यहाँ पर जो ब्लड प्रेशर है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। अगर हम कहें कि अगर एल्डोस्टेरोन का हाइपोसिक्रीशन हो गया, एल्डोस्टेरोन नहीं रिलीज हुआ तो क्या होगा, क्योंकि हमें पता है एल्डोस्टेरोन क्या कर रहा था, ये सोडियम को एब्जॉर्ब करा रहा था। अगर सोडियम को एब्जॉर्ब करा रहा था तो क्योंकि अब हाइपोसिक्रीशन हो गया, अब सोडियम एब्जॉर्ब नहीं होगा तो ये क्या होगा, यूरिन के थ्रू एलिमिनेट हो जाएगा। सोडियम को फॉलो कौन करेगा, पानी फॉलो करेगा, पानी भी जो है यूरिन के साथ बाहर निकल जाएगा। तो इससे हम कहेंगे कि जो यूरिन आउटपुट है वो इंक्रीज हो जाएगा। और इनडायरेक्टली अगर हम कहें तो एल्डोस्टेरोन अगर नहीं होता है तो बॉडी में डिहाइड्रेशन हो जाएगा। डिहाइड्रेशन क्यों हो जाएगा, क्योंकि पानी का लॉस ज़्यादा हो रहा है। अब हम बात करेंगे जो एफिटीएचएन एंड एंजियोटेंसिन है, ये इनका एक्सप्लेनेशन हम रास मैकेनिज्म में देखेंगे कि ये एंजियोटेंसिन कैसे एल्डोस्टेरोन को रिलीज कराने में मदद कर रहा है। एफिटीएच ये पिट्यूटरी ग्लैंड से आएगा और ये स्टिमुलेट करेगा सिक्रीशन ऑफ मिनरलोकॉर्टिकॉइड। अब ये कब इसको करेगा, जैसे जब बॉडी में डिहाइड्रेशन हो गया तब ये जो है यहाँ से सिग्नल आएंगे और ये इस तरीके से काम करेंगे। बात करेंगे एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड, इसको हम सेक्स स्टेरॉइड भी बोलते हैं। ये किस लेयर से आएगा, रेटिकुलरी लेयर से आएगा। तो इसका मेन फंक्शन क्या है, ये जो है प्यूबर्टी के टाइम जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर होता है उसका अपीयरेंस करवाता है। तो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर जैसे हेयर का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, ग्रोथ ऑफ एक्सियल हेयर, पीविक हेयर, फेसियल हेयर, मेन क्वेश्चन यहीं से बनता है। और भी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर जैसे फीमेल में इनलार्जमेंट ऑफ ब्रेस्ट कराता है और मेल में डीप वॉइस कराता है, मेल लाइक कैरेक्टर। अगर इनका हाइपर सिक्रीशन हो गया, अगर ये अपने अमाउंट से ज़्यादा अमाउंट में सिक्रीट हो गए तो मेल में क्या होगा, मेल में फीमेल लाइक कैरेक्टर आ जाएगा, जिसको हम बोलते हैं गाइनकोमेफ्टिया। ये टर्म काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में नहीं दिया है तो क्या हुआ, लेकिन इम्पॉर्टेंट है। मेल लाइक कैरेक्टर, जब फीमेल में हाइपर सिक्रीशन हो जाएगा तो फीमेल के अंदर मेल लाइक कैरेक्टर आ जाएगा, इसको हम लोग बोलते हैं एड्रेनल वेरलिज्म। तो मेन इसको ध्यान रखिएगा गाइनकोमेफ्टिया, क्योंकि एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड में दोनों टाइप के हार्मोन होते हैं, फीमेल टाइप के और मेल टाइप के, तो मतलब मेल में भी फीमेल टाइप का हार्मोन रिलीज होता है।